नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सचिन वाजे ने और एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिससे अनिल देशमुख की जो मुश्किलें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत केस में सचिन वाजे के बारे में एक बहुत बड़ा राज निकल के आया है। पूरी जो जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरे जो अपडेट्स है आप तक हर वक्त पहुंचते रहे। पहले बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग और 100 करोड़ की जो वसूली केस है उसके बारे में। 100 करोड़ वसूली की जो केस है वो सीबीआई हैंडल कर रही थी, और जैसे आपको पता है सचिन वाजे ने उस केस में सरकारी गवाह बनने के लिए वो राजी हो चुके थे, जिसके बाद उनकी ये जो याचिका है ये सीबीआई ने और कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो इसका मतलब है कि जो वसूली कांड है उसमें सचिन वाजे सरकारी गवाह बन जाएंगे। इसके साथ साथ अभी बहुत बड़ी अपडेट ये आई है कि सचिन वाजे ने अभी स्पेशल कोर्ट में जाके ये अर्जी लगाई है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है जो ईडी हैंडल कर रही है, उस केस में भी अनिल देशमुख के खिलाफ सरकारी गवाह बनेंगे सचिन वाजे। ये अर्जी लगाने के बाद अभी भी स्पेशल कोर्ट से जो वर्डिक्ट है वो नहीं आया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोर्ट इसके लिए भी राजी हो जाए और सचिन वाजे दोनों ही केसेस में सरकारी गवाह बन जाए, जिससे अनिल देशमुख की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अनिल देशमुख और सचिन वाजे दोनों ही लास्ट कुछ महीनों से जेल में है, और इन दोनों मामले में अनिल देशमुख मुख्य आरोपी है। सचिन वाजे अभी सरकारी गवाह बन जाएंगे तो उनको थोड़ी सी छूट भी मिलेगी, लेकिन अनिल देशमुख के लिए खतरा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि महाराष्ट्र का जो सिस्टम है, जो बड़े बड़े लोग ऊंचे ऊंचे पद में थे उन्होंने अपनी जो कुर्सी है उसका कैसे दुरुपयोग किया, ये तो आपको नजर आ ही गया होगा। अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत मामले में। सचिन वाजे का सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन के हत्याकांड में इन्वॉल्वमेंट है, ये बहुत दिनों पहले ही हमें पता चल चुका था, क्योंकि सचिन वाजे के खिलाफ बहुत सारे एविडेंसेस निकल के आए थे। हालांकि सचिन वाजे को सुशांत सिंह राजपूत या दिशा सालियन मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन हाल ही में एक बहुत बड़ा सबूत निकल के आया है जिससे ये पता चल गया है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सचिन वाजे भी इन्वॉल्व थे। ये फोटो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये फोटो कूपर हॉस्पिटल की है जहाँ पे एक पत्रकार कवरेज कर रहा था, लेकिन उनके पीछे आप देख सकते हो ये जो शख्स है ये सचिन वाजे है। सचिन वाजे कूपर हॉस्पिटल में गए थे। ये फोटो है 14 जून 2020 की, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। सचिन वाजे माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट के आसपास तो नहीं थे, लेकिन जब सुशांत के शव को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया तब कूपर हॉस्पिटल में थे मौजूद सचिन वाजे। सचिन वाजे ने जाके कूपर हॉस्पिटल में सुशांत सिंह राजपूत की जो शव थी उसके साथ भी छेड़खानी की, ताकि जो एविडेंसेस है वो पूरी तरीके से मिट जाए। तो यहाँ पे ये बात और भी ज्यादा स्पष्ट हो चुकी है कि महाराष्ट्र सरकार का सुशांत सिंह राजपूत के मौत में लिंक है। और जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे अर्णब गोस्वामी ने भी रिपब्लिक टीवी पे ये बोला था कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा सुशांत सिंह राजपूत केस में इन्वॉल्व्ड है। उनका नाम तो नहीं लिया था, लेकिन आप सबको पता है बात यहाँ पे किसके बारे में हो रही थी। तो अगर आप इन सारे कड़ियों को जोड़ पाए, आपको पता चल जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन के मौत के पीछे सचिन वाजे थे, और सचिन वाजे को किसने ऑर्डर दिया था ये काम करने के लिए। क्यों सचिन वाजे को अचानक 7 जून 2020 में मुंबई पुलिस में न्योता दे के लाया गया, बावजूद इस बात के कि सचिन वाजे का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ठीक नहीं था और सचिन वाजे को मुंबई पुलिस से ऑलरेडी निकाल दिया गया था। आपको इस पूरे घटना के बारे में क्या कहना है वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए दोस्तों। और भी जो अपडेट्स आएंगी इस मामले में मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। टेक केयर, जय हिंद एंड जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा।